नहीं, म्यूजिक यहाँ से चलेगा, फिर मेरी एंट्री होगी, ठीक है, बाद में नहीं चलेगा। ओह, अस्सलाम वालेकुम। वो असल में मेरी परफॉर्मेंस, आपको पता नहीं होगा ना, कनाडा में 8th हम अवार्ड्स हो रहे हैं, फर्स्ट ऑन्टारियो सेंटर में 24th ऑफ सितंबर को, और मैं परफॉर्म कर रही हूँ, तो जल्दी से जाएं और अपने टिकट्स बुक कराएं। On 24th September 2022 at the First Ontario Centre. To book your tickets, log on to humawards.ca. सुना है महजुबीन और जाहिद को रंगे हाथों पकड़ा है तुम्हारी अम्मी ने। इन दोनों का निकाह हो चुका है और इसमें मेरी माँ शबरातन शामिल थी। निकाह ख्वाब भी यही लाई थी और गवाह का इंतजाम भी इन्होंने किया था। मेरी मरहूम शौहर और तुम्हारी माँ के नाम पे लगे हुए दाग शायद इसी तरह कुदरत ने धो लिए थे। तुम ये खत पढ़ो तो मैं सब कुछ खुद समझ आ जाऊँ। तुमने अपनी शौहर की वफा में खुद को पामाल कर लिया, उस शौहर की वफा में जिसने तुम पर एतबार नहीं किया, तुमसे तुम्हारे बच्चे छीन लिए। बेटा हूँ अब, गुनाह हो गया मुझसे। मुझे माफ कर दो। मैं आज खुद को और इस कोठी को हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे आसेब से आजाद करती हूँ। आलिया, कब से खड़ी हुई है यहाँ पे, हैं? चल अंदर चल, देख रंगत कैसी पीली पड़ गई है। क्या हो गया है, अपना ख्याल क्यों नहीं रख रही है? आपका तो जी चाह रहा होगा ना अम्मा कि मैं मर जाऊं, सब यही चाहते हैं ना। लो खुशियां मनाया, मर रही हूँ मैं। सुकून से जीने तो नहीं दिया आप लोगों ने मुझे, कम से कम मरने तो दे। क्यों अपनी दुश्मन हो गई है, माँ को क्यों अजियत पहुंचा रही है? आलिया तुझमें तो मेरी जान है, मैं तलवार से कट सकती हूँ, पर तेरी अजियत मुझसे नहीं सही जा रही, ना कर अपने साथ ऐसा। दवा खा ले। बात बताओ माँ, क्या हुआ वो आपके दम मंत्र तावीज उनका क्या हुआ? हाँ, खुदा का वास्ता है, कुछ पढ़ के फूंक दो ना मुझ पर, ताकि मैं इस अजियत से हमेशा के लिए आजाद हो जाऊँ। ऐसी बातें क्यों कर रही है? तुझे तो पता है मेरे पास ऐसा कभी भी कुछ नहीं था। मेरे पास तो बस सिर्फ तू है। तू इस तरह मेरा साथ छोड़ देगी तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी? कर मेरे साथ ऐसा, भले पूरी जिंदगी मुझसे नफरत करना, लेकिन मुझे औलाद का गम ना दिखा। आलिया, ये देखो क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। पहनोगी ना? मर्द और औरत का रिश्ता कितना खूबसूरत होता है ना, पता नहीं क्यों लोग उसे पतझड़ करना चाहते हैं।
काशबीन बहुत शुक्रिया तुम्हारा, अगर तुमने होती ना तो इस बंधन की खुशबू को, इसकी तासीर को कभी महसूस नहीं कर पाता। शायद अगर अभी हमारे बीच नायला होती तो कितना अच्छा होता ना। नाम ना लेना उसका मेरे सामने। उसकी तबीयत भी पूरी होने वाली है, क्या आप उसको अभी भी माफ नहीं करेंगे? पता नहीं, जाहिद बात सुन मेरी। क्या है? रास्ता छोड़े मेरे शबरातन के। सिलाई वलाई करना छोड़ दिया क्या? हाँ अमीर जो हो गए हो, अब जरूरत ही कहाँ होगी। दोबारा से सिलाई शुरू करूंगा मैं, अपने दम से अपनी मेहनत की कमाई कमाऊंगा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फिर पहला ऑर्डर मेरा ले लो, दो कफन सीने सीधोगे? कफन कफन, एक मेरा और एक मेरी मासूम बच्ची आलिया का, जिसको तूने ना जिंदा लाश बना दिया। और मेरी बहन, मेरी बहन नायला, उसका क्या? उसका क्या? उसके साथ तुमने कौन सी अच्छी की है? मेरे गुनाहों के बदले मजलूम बच्चियों से लिया तुमने। चलो मैं तो हुई बदजात, लालची, एहसान परामोश, लेकिन आलिया ने तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी ना। और नायला, उसने तुम्हारी खातिर तुम्हारी आंखों के सामने जहर का घूंट पी लिया। तुमने फिर भी कौन से उसके साथ कुछ अच्छे कर दिया? खुद से नफरत करते हो ना साहिब मियां, तो खुद से भी करो। पहले भी कई बार आना चाहा था, तब सेठी साहब जिंदा थे, मगर उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि महजबी यतीम खाने से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। ऐसी कोई बात नहीं है मैडम, मैं यहाँ कैद थी और इतने अरसे कैद काटने के बाद दोबारा जड़ों से जुड़ने का हौसला ही नहीं रहता। अच्छा हुआ कि आप यहाँ आए। मुझे माफ करना माजबी, मैंने तो तुम्हारा भला ही चाहा, और इस भले के चक्कर में मुझसे कई गलतियां हो गई। मेरा ख्याल था इस तरह तुम्हें और दूसरी यतीम लड़कियों को सहारा मिल जाएगा, मगर नहीं मैडम, मुझे कभी भी आपकी नीयत पे शक नहीं था। बस अपने अपने नसीब की बात होती है। माँ जब मुझे तुमसे एक काम भी था, तुम्हें हिना याद है ना? शायद नाम भी हो, बहुत छोटी सी थी तुम जब ब्याह कर यहाँ आई थी। हाँ है ना, मैं कैसे भूल सकती हूँ, वो नीली आंखों वाली लड़की। अब कैसी है वो? कुछ पता नहीं। क्या मतलब? भाई चंद सालों पहले वकार नाम का एक लड़का उसे निकाह करके दुबई ले गया था, और अभी चंद दिनों पहले मुझे एक अनजान नंबर से दुबई से कॉल रिसीव हुई है। मुझे शक है कि हिना इस दुनिया में नहीं। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो।
हम भी यही दुआ कर रहे हैं। मैंने उसे काफी तलाश किया और उसी तलाश में मुझे पता चला कि वो लड़का जो उसे दुबई निकाह करके ले गया था इसी महल्ले का था। क्या तुम इस नाम के किसी शख्स को जानती? नहीं जानती तो नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं पता करवा लूंगी। तुम्हारा असर रसूख इस इलाके पर बहुत है। जब इस मोहल्ले का नाम सुना तो मुझे फौरन तुम्हारा ख्याल आ गया। मेरे पास एक तस्वीर है उस शख्स की, हिना के निकाह के मौके पर मैंने खिंचवा कर रख ली थी। ये लो, अपने शौहर को दिखा देना, हो सकता है कि वो पहचान जाए। मैं तस्वीर दिखाती हूँ आपको। ये? हाँ जाहिर, आप इसको देख के इतना चौंके क्यों? ये तो विकी है, लैला का साफ कशौर। जाहिद का दिया हुआ नंबर हमारे बहुत काम आया। जैसे ही विकी ने सेल फोन ऑन किया, हमने उसे ट्रेस करके पकड़ लिया। वो मैडम जी के पास जो नंबर था ना, वो विकी का पुराना नंबर था। अरे वो तो कब का बंद हो चुका था। ये खबीस जो है, वाकई विकी ही उस लड़की का शौहर था? शौहर? अरे शौहर नहीं भाई, अरे विकी तो शादी के काबिल भी नहीं है, नामर्द है, नामर्द। क्या क्या कहा आपने? क्यों तुम इस बात पर क्यों चौंक गए भाई? हैं? नहीं जी कुछ नहीं, वो मिल सकता हूं मैं विकी से? हाँ आप मिल सकते हैं। कैसी बातें करते थे मेरे सामने लड़कियों के बारे में, उनके किरदार पर कीचड़ उछालते थे। आलिया के किरदार पर नामर्द। हाँ हूं मैं नामर्द हूं, और नहीं हूं मैं शादी के काबिल। अगर मैं नहीं तो कोई और क्यों खुश है? इसलिए जो जोड़ा मुझे नजर आया उसे बर्बाद कर दिया मैंने। बहुत मजा आया। किस तरह के घटिया इंसान हो तुम, मेरी बहन की जिंदगी क्यों बर्बाद की तुमने? अगर तुम शादी के काबिल ही नहीं थे। ये सवाल तुम मुझसे नहीं, अपने आप से पूछो कि उसकी जिंदगी मैंने बर्बाद की या तुमने। बड़ा मन बड़ा फिर रहा है, लेकिन विकी से बड़ा कोई नहीं, कोई नहीं। जाहिद, जाहिद अब क्या सोच रहे हो? वो तो ना मर्द था, तुम तो मर्द हो ना, तो जाओ। अगर मर्द हो तो माफी मांगो उन तमाम लोगों से जिनके साथ अनजाने में तुम जुल्म कर बैठे हो।
लैला माफी चाहता हूं तुमसे, फिर दुख है नहीं तुम बहुत झूठ है भाई, आपने मुझसे माफी मांग ली तो मेरे सारे गम दूर हो गए। सही कहती है मुझे, औरत का दिल बहुत बड़ा होता है, बस मर्द की तंग नजरी उसको सब देख ही नहीं पाती। मेरा तुम्हारे भाई ने आज तक तुम्हें कुछ नहीं दिया, मगर आज देना चाहता। क्या भाई? आ जाओ। देख लो जायद मियां क्या हालत हो गई इसकी। जायद मियां जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने मेरी आलिया की, तो सुकून मिल गया होगा ना? कैसे हस्ती खेलती थी ये, देखो कैसे चुप लग गई इसको, उससे तो कुछ नहीं बोलती, तुम बात करके देख। मुझे तुम्हें समझने में भूल हो गई, जानता हूं कि तुम्हारी मोहब्बत पाक और सच्ची थी, वो विकी की बातों में आ गया, लेकिन अब सच जान चुका हूं तुम्हारी माफी के लायक तो नहीं, लेकिन फिर भी तुमसे माफी मांग रहा हूं। हो सके तो माफ कर दो मुझे आलिया। आलिया चुप क्यों हो तुम? तुम्हारा दिल चाह रहा है ना तो मारो पीटो बुरा भला कह दो मुझे, लेकिन इस तरह खामोश ना रहो, खुदा के लिए कुछ तो बोलो। छबे
औरत के दामन पर बदनामी का दाग लग जाता है ना साहब, फिर वो कभी नहीं धुलता, कभी नहीं। मैं जिम्मेदार हूं, मैं मिटा हुआ ये दाग तुम्हारे दामन से। मैं जाके सबको बताऊंगा कि मैं झूठा था और तुम सच्ची। मैं मिटाऊंगा ये दाग, अलिया। बताऊंगा सबको कि तुम मासूम हो और गुनाह मुझसे हुआ। बताऊंगा सबको। ये मोहब्बत एक धोखा तोड़ देती है भरोसा, मिले जुदाई फकत दुआई, गम का हासिल है मेरा नसीब ही मेरा दुश्मन मेरा कातिल है। अरे क्या हो गया है आप सबको, इस तरह मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? मैं कसम खा के कहता हूँ कि आलिया सच्ची है, मैंने उस पर झूठा बोहतान लगाया था, वो इसलिए क्योंकि मैं हकीकत नहीं जानता था, अब जान चुका हूँ, मुझसे भूल हो गई थी। अरे जाओ मियाँ, रहने दो, पता नहीं क्या तुम लोगों की आपस में सेटिंग हो गई है कि हम लोगों को बेवकूफ और अंधा समझते हो, तो तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेंगे। चलो भाई अपने अपने काम पे चलो। एक सेकेंड रुके, अजीब लोग हैं आप। उस दिन मैंने सिर्फ एक बार आप सबके सामने आलिया को बुरा भला कहा, उस पर इल्जाम लगाया और आप सब ने मान लिया, और आज एक बार फिर मैं आप सबके सामने कसमें खा के आलिया की पाक दामनी की गवाही दे रहा हूं, और आप में से एक भी इंसान मानने को तैयार नहीं। तो ये कैसी मुनाफ़िकत है आप लोगों की? में से किसी को भी सच्चाई से को मतलब नहीं है, सिर्फ जबान के चस्के से मतलब है। अब कुछ नहीं बदलेगा जाहिर मियां, रहने दो। शिवरतन आपा, जबान के चस्के तो आपने भी बहुत लिए थे, अब अपनी बेटी की बारी आई तो हम बुरे हो गए। चलो सब यहाँ से। एक मिनट मेरी बात सुने, रुकिए रुकिए, जरा मेरी बात तो सुन ले। राजे माजी एक गुना है, याद क्यों बीते नहीं, चाक करते हो जो दिल को जख्म फिर सीते नहीं, बेवफाई जी। अम्मी क्या हुआ? मैं इधर ही हूँ आपके पास। माँ जी भी? अम्मी को देखो तबीयत खराब हो गई उनकी। माँ जी क्या हुआ? मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ। अभी कुछ नहीं, वो अभी डॉक्टर आ जाते हैं ना, आप ठीक हो जाओ। देखिए मुझे देखिए, अम्मी मैं इधर ही हूँ आपके पास हूँ। सांस लो सांस लो, कुछ नहीं होगा अम्मी, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना आपके पास, देखिए मुझे।
I'm sorry. She's no more. सका तो फिर मिला कुछ भी नहीं तू इशारा जिंदगी का तू ही मौत मेरी तेरी खातिर जी रहे हैं ये सिला कुछ भी नहीं टूट के बिखरे मेरे अरमां कैसी मुश्किल है शायद आप मुझ पर भरोसा करते हैं ना तुमसे ही तो भरोसा करना सीखा है मैंने तो फिर मैं जो कहूंगी मेरी बात मानेंगे तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी पर एक बात मानना तो बहुत छोटी सी बात है आप भालिया को अपना लें मेरी तरफ देखोगे भी नहीं आपको और जाहिद को माफ कर तो दिया है मैंने अब क्या लेने आई है मुझसे तुम्हें क्या तुम्हें लेने आई हूं आपा क्या मैं आलिया को मांग सकती हूँ अपनी शायद के लिए वाजबी तुम कितनी अजीब हो और मैं कितनी घटिया और एहसान फरामोश ना मेरी घटियापन की कोई हद है और ना ही तुम्हारे सिर्फ मुझे माफ कर दो वाजबी नहीं आपा ऐसे मत करें चाहे नियत जो भी हो लेकिन आपके वसीले से याद जाहिद मेरे नसीब में मैं आप पर कोई एहसान नहीं जताने आई बल्कि आपसे दरख्वास्त करने आई चाहे दुनिया इसकी मासूमियत को माने या ना माने लेकिन हम जानते इसकी मोहब्बत सच्ची है बेशक आलिया आज भी इनमें बिल्कुल सही कहा तमाम उम्र गलत फहमियों में रहने के बावजूद बड़ी मुश्किल से जान पाया हूं कि इंसान अच्छे बुरे होते उनकी जेंस नस्ल या रंग नहीं तो आलिया क्या तुम इस नए जाहिद को अपनाओगे Thank you.
से हाँ है ना आपा? जब खुदा अपने बंदों को दूसरा मौका देते हुए अपने दर के दरवाजे बंद नहीं करता तो फिर हम कौन होते हैं इनकार करने वाले। मैं शुक्राने के नफल अदा कर लूं। वाकई एक तू है मेरे रब, जो हम जैसे भटके हुए इंसानों को उनकी तमाम तर गलतियों लग्जिशों के बावजूद मौका दर मौका देता है और हम खताओं के पुतले अपनी अना के घमंड और इब्लिसी वसवसों की गुमराही में इस तरह जमीनी खुदा बन जाते हैं कि अपनों की गलती को माफ करना तो दूर, उनसे हमेशा के लिए मुंह मोड़ लेते हैं, जैसा कि मेरे अब्बा ने की। और फिर इस धोखे में मैंने भी एक उम्र गुजार दी। हव्वा का ये बेटा समझ ही नहीं पाया कि उसके इर्द गिर्द माँ, बहन, बीवी और महबूबा की सूरत में हव्वा की वो बेटियाँ हैं जो हर रूप और हर रिश्ते में सिर्फ मोहब्बत और बस मोहब्बत का पैकर है। वो बिनते हव्वा, मैं इब्ने हव्वा, तेरा लाख शुक्र कि गफलत और नादानी का ये पर्दा मेरी आंखों से उतर गया और मुझे यकीन है कि तू मुझे माफ कर देगा मेरे रब। और ये भी यकीन है कि तू बहुत जल्द मुझे और माजबीन को अपने दर पर बुला लेगा। एक धोखा तोड़ देती है भरोसा, ये मोहब्बत एक धोखा तोड़ देती है भरोसा, मिले जुदाई फकत दुहाई गम का हासिल है, मेरा नसीब ही मेरा दुश्मन मेरा कातिल है, कैसे समझाऊं तुझे चाहे ना चाहूं तुझे, तू नहीं मेरा, ख्वाब जो पूरे होंगे दर्द अधूरे होंगे, इश्क जहर Never।